हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर मनुराज शर्मा और आज हम जानने वाले हैं एक नेविगेशन सिस्टम के बारे में। मेरे हाथ में जो एक मॉडल है वो जीपीएस का मॉडल है, गार्मिन कंपनी का मॉडल ओरेगॉन 650। तो आज हम ये जानेंगे कि इस जीपीएस का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज़ को ट्रैक करने के लिए, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर लोकेशन को जानने के लिए, और कैसे किसी खास क्षेत्र के अंदर में जाने के बाद में जीपीएस के माध्यम से उन जगहों की लोकेशन को जाने, ट्रैक को सेव करें और फाइनली एक ऐसे फॉर्म में लेके आए जिसे हम बाद में कंप्यूटर के अंदर में, जो किसी खास आर्क जीआईएस या क्यूजीआईएस जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर में उस चीज़ को इंपोर्ट करके हम चला सकें। तो जैसे ही आप इस खोलते हैं इस जीपीएस डिवाइस के अंदर में, तो आपको सबसे बॉटम में दिखता है सैटेलाइट्स। मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं, फिलहाल मैं बिल्डिंग के अंदर में हूँ तो मुझे सिग्नल्स बड़े वीक नज़र आ रहे हैं, जैसे कि नंबर 69 में दिख रहा है, वीक सिग्नल्स दिख रहे हैं। हालांकि अगर जैसे ही मैं बाहर आकाश के नीचे चला जाऊँगा तो ये जो सैटेलाइट्स हैं वो मुझे सारे अवेलेबल दिखेंगे। दैट मीन्स देयर आर सो मैनी डिफरेंट सैटेलाइट्स अवेलेबल जिसके सिग्नल मुझे प्राप्त हो सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में डिफरेंट डायरेक्शंस के अनुसार जो सैटेलाइट्स की पोजीशन है वो मुझे दिख रही है। जीपीएस जो कि एक अमेरिका के द्वारा लॉन्च एक प्रोग्राम है एंड जिसमें कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट 71 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें फंक्शनल अभी 31 सैटेलाइट्स हैं। और इस 31 सैटेलाइट्स में से कुछ की जो आप सैटेलाइट्स की संख्या है वो हम देख सकते हैं जो इस वीडियो में आपको दिख रहा है। ओके, हम यहाँ से सैटेलाइट्स के सिग्नल हमें बहुत फेयर दिख रहे हैं, जैसे हम बाहर जाएंगे हमें और सिग्नल, बहुत स्ट्रांग सिग्नल प्राप्त होगा। मूविंग नेक्स्ट, जब हम ट्रैक करना चाह रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का हमें ख्याल करने की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले जाएंगे सेटअप के अंदर में। सेटअप में आने के बाद सिस्टम में आइए। सिस्टम में आने पे आपको फर्स्ट सैटेलाइट सिस्टम को चूज़ करना पड़ता है कि क्या आप जीपीएस जो कि अमेरिका है उसको चूज़ करना चाहते हैं, या जीपीएस के साथ में रशियन जो नेविगेशन सिस्टम है ग्लोनास, आप उसका भी यूज़ करना चाहते हैं। मेरे पास चूंकि ये गार्मिन का एक ओल्ड मॉडल है, अब जो नए रिसेंट आ रहे हैं जिसमें कि इंडिया का नाविक है, चाइना का बाइडू है, ऐसे नेविगेशन सिस्टम्स के सैटेलाइट्स जो है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारे इंडिया के अभी टोटल 7 सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं जो कि इंडिया के आपके एट प्रेजेंट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, और 7 सैटेलाइट्स इंडिया का 24 आवर्स कवरेज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल अभी के लिस्ट में हम जीपीएस और ग्लोनास दोनों के सिग्नल्स को हम रिसीव करना चाहेंगे। बाकी चीज़ें हैं वो बहुत बेसिक सी हैं कि टेक्स्ट आपको इंग्लिश में चाहिए, अनदर कॉन्फ़िगरेशन कीज़ है जो आप इसको आसानी से जान सकते हैं। वी विल मूव टू डिस्प्ले एंड बैकलाइट टाइम जो है, चूंकि आप फील्ड में होते हैं तो अक्सर आपको 30 सेकंड का टाइम एक ऑप्टिमम टाइम है जो आप यूज़ करना चाहेंगे अपनी स्क्रीन के लिए ताकि ये ऑन रह सके नेविगेशन में। कमिंग बैक, जब हमने अगर नेविगेशन जब स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे फर्स्ट आना है करंट ट्रैक के ऊपर में। आप जैसे ही खोलेंगे यहाँ पे तो ये एक फर्स्ट इमीडिएटली दिख रही है, मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। ओके, नाउ दिस इज 00 मिनट्स एंड वी हैव ट्रेवल्ड 0 डिस्टेंस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऊपर में यहाँ पे 3-4 सेक्शन है जो अवेलेबल है। ये है जो स्टार्ट करने के लिए नेविगेशन के लिए। नंबर 2 पे आपको अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखेगी जिसे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे आपको मैप के लोकेशन जहाँ पे है वो आपको दिख जाएगा। मैं फिलहाल दरभंगा के बिहार में अवेलेबल हूँ तो वहाँ की लोकेशन मुझे शो होगी यहाँ पे, एंड फाइनली एलिवेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे नेविगेशन स्टार्ट करनी है तो मुझे यहाँ से इसको प्रेस करना होगा स्टार्ट, जैसे कि आपका क्लॉक है वो ऑन हो गया है। जीपीएस के अंदर में हमारे पास में एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं तो ये टर्न ऑफ होने के बाद भी आपको सही टाइम और सही समय शो कर रहा होता है। तो आज जैसे का दिन 8 जुलाई 2022 है, तो ये मेरी जो ट्रैक्स से जो सेव होंगे वो आज की डेट इसी के अनुसार सेव होंगे। तो फिलहाल मैं अभी कहीं मूव नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ। फाइनली इसके ऐसे अब आप किसी खास एरिया में मूव कर रहे हैं तो आप इस डिवाइस को हाथ में लेके आप एक क्षेत्र से मूव करना शुरू करिए, दूसरे क्षेत्र तक पहुंचिए, या एक सर्कुलर पाथ को आप कवर कर सकते हैं। एंड फाइनली खत्म होने पे आप मूवमेंट को यहाँ पे आके सेव पोर्शन करना पड़ता है। ओके, फिलहाल चूंकि मेरी मूवमेंट नहीं हुई है इसलिए कोई सेगमेंट सेव नहीं हुआ। वी विल मूव टू, जैसे इसको इन चीज़ों को जब हम सेव करते हैं किसी खास ट्रैक पे, किसी नदी के किनारे में या किसी खेत के चारों तरफ जब आप मूव कराते हैं तो आपको वहाँ पे सेव करने के बाद में कुछ पाथ ऐसा दिखेगा। जैसा कि फिलहाल हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने अभी पहले इस जीपीएस डिवाइस को यूज़ करके प्रैक्टिकल किया था, तो डिवाइस को ट्रैक किया
तो वो पाथ हमें कुछ इस प्रकार का मिलता है एंड इन्फॉर्मेशन हमें ऐसी दिखती है। दैट मीन्स उन्होंने लगभग 44 मिनट्स, मैं आपको पाथ दिखा देता हूँ, पहले उन्होंने कुछ ये पाथ था दरभंगा का, जो एक पाथ में उन्होंने पूरा ट्रैवर्स किया है, ठीक है। तो क्या क्या जानकारी यहाँ से मिल सकती है हमें, ये दरभंगा के लिए था, एंड क्या क्या जानकारी मिल सकती है आप देख सकते हैं। 8 जुलाई 2022 के समय में दिन ये उन्होंने जीपीएस का इस्तेमाल किया, 44 मिनट्स लगभग जो था वो उन्होंने ट्रैक किया, एंड ट्रैक में लगभग डिस्टेंस कवर किया 599 मीटर्स, लगभग 600 मीटर्स, कितने पॉइंट्स जो ट्रैक पॉइंट्स थे रास्ते में कितने पॉइंट्स को मार्क किया, तो वो उसकी संख्या दिख रही है नियर अबाउट 1397। उनकी मूवमेंट की स्पीड क्या थी, कितना मीटर वो चढ़ाई उन्होंने चढ़ी है, तो लगभग 29 मीटर। कितना मैक्सिमम एलिवेशन था, वो मैक्सिमम एलिवेशन कितना गया, रास्ते में कितना दिखा, उन सब चीज़ों की आपको जानकारी मिल जाती है। और फिलहाल जहां मेरा पे अभी आपको जीपीएस डिवाइस है, तो उसके आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों देखने को मिल रहे हैं। लैटिट्यूड नॉर्थिंग्स के द्वारा दिखाया जा रहा है 26 degrees 9 minutes and 58 seconds, एंड ईस्टिंग्स जो कि आपका लॉन्गिट्यूड है वो 85 degrees 54 minutes and 00 seconds में दिख रहा है। और यहाँ से ये एलिवेशन को शो करता है। अगर सपोज मैं यहाँ से दरभंगा से सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट या अपर जो नेपाल के माउंटेन्स है वहाँ की तरफ मूव करता हूँ, तो मुझे अपने इस मैदानी क्षेत्रों से प्लेन्स के एरिया से कैसे ग्रेजुअल एसेंट हुआ है, कैसे मैंने या समुद्र तल से मैं कैसे धीरे धीरे पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट एक प्रोफाइल देखने को मिल सकता है कि मैंने ज़मीन से लगभग कितनी ऊंचाई कवर की है। तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो कि हम जीपीएस के अंदर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मूविंग बैक इस ट्रैक के अंदर में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो ये स्टार्ट करने के लिए फिर से कि मैं क्या फिर से नेविगेशन करना चाह रहा हूँ, तो मुझे दोबारा गो करना पड़ेगा और मुझे यहाँ से इस पॉइंट से इसे यू घूम के दोबारा जगह पे आना पड़ेगा, एंड फाइनली एट द एंड जो है मुझे यहाँ पे आके स्टॉप नेविगेशन करना है, एंड एट द एंड में आके दैट इज करंट ट्रैक में आके वो सेव कर लेना है। तो ये जीपीएस का एक बेसिक सा फंक्शन है। डिवाइस इज वेरी गुड, इसे थोड़ा सा चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, नीचे चार्जर अवेलेबल है, एंड नो डाउट कि ये दिन में रात में ऑल 24 आवर्स ये फंक्शनल है, एंड इवन टर्न ऑफ होने के बाद में भी ये काफ़ी इफिशियंटली वर्क करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ रिलेटिंग पर्टिकुलरली टू सब्जेक्ट ज्योग्राफी। थैंक यू।